हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं एक बहुत ही सुंदर से संगमरमर के मंदिर तक, झांसी आगरा हाईवे नंबर 44 पर। ग्वालियर से करीब 5 किलोमीटर दूर यह सुंदर सा मंदिर है जो आते जाते हर राहगीरों को बरबस रोक लेता है। देखिए ये मंदिर नजर आने लगा। यहाँ मंदिर के सामने इतनी जगह है कि गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है और चारों तरफ पहाड़ियां है, खेत है और ये है हाईवे नंबर 44। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लिखा हुआ है कि मद्यपान करने वाले और मांसाहार करने वाले मंदिर में प्रवेश ना करें। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं, आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। जय गुरुदेव मंदिर 2-3 वर्षों पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। बाबा तुलसीदास, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा के एक गांव खितौरा में हुआ ऐसा कहते हैं। बाबा गुरुदेव शाकाहारी जीवन जीने का संदेश देते थे। ये है मंदिर का सबसे बीच का हिस्सा जहाँ पर बाबा गुरुदेव की तस्वीरें लगी है। यहाँ पर बीच में एक गोल गुंबद है और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 गेट बने हुए हैं। आप कहीं से भी देख लीजिए, चारों ओर से बिल्कुल एक सा बना हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी। यह बाबा गुरुदेव की तस्वीर। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में शिक्षा, चिकित्सा, बिना दहेज के सामूहिक विवाह, मद्यपान निषेध, शाकाहारी भोजन तथा वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया था। ये है मुख्य हॉल के नीचे का हॉल जहां पर सिंबॉलिक समाधि बनाई हुई है। असली समाधि मथुरा में है। आइए अब आपको बाहर ले चलते हैं। बाहर बहुत ही सुंदर बगीचा बना हुआ है। बड़ी सी जगह में बना हुआ ये हरा भरा बगीचा, जिसमें गर्मी के दिनों में भी देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। यहां से देखिए मंदिर का नजारा, बाग से भी मंदिर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है। चारों तरफ से बिल्कुल एक सा बना हुआ है। 4 गेट हैं, सब में बिल्कुल एक जैसी नक्काशी और डिजाइन जो है बनी हुई है। अभी हम आ गए हैं मंदिर के पिछले हिस्से में। देखिए बिल्कुल जैसा सामने था ऐसे ही पीछे भी है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ से बिल्कुल एक सा बना हुआ बहुत ही सुंदर संगमरमर का ये मंदिर। अगर आप कभी इस रास्ते जाते हैं तो एक बार जरूर आइए और देखिए ये खूबसूरत मंदिर। सतपुरुष की आरसी, संतों की है देह, लखना चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।